एनक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्ट स्ट्रिंग्स। इसमें क्या दे रखा है, बेसिकली तुम्हें तीन चीजें दे रखी है, ठीक है। एक एनक्रिप्टर दे रखा है, ठीक है, एक एनक्रिप्ट फंक्शन करना है तुम्हें और एक डिक्रिप्ट करना है, ठीक है। तो एनक्रिप्टर में क्या दे रखा है, की वैल्यू पेयर दे रखा है और एक डिक्शनरी दे रखी है, ठीक है। क्यों दे रखी है बताऊंगा, ठीक है। जैसे एनक्रिप्ट फंक्शन आया तो एनक्रिप्ट कॉल हुआ, तो एनक्रिप्ट इसमें इसको एनक्रिप्ट करना है तुम्हें, तो तुम क्या करोगे, ए को किस में एनक्रिप्ट कर सकते हो, ये की वैल्यू पेयर यूज करना है बेसिकली, ठीक है। तो ए को एनक्रिप्ट कर सकते हो ए आई में, और बी को इसमें, और सी को वापस इसमें, ठीक है, और डी को इसमें, ठीक है। तो ये बेसिकली एनक्रिप्ट जब भी कॉल होगा तो ऐसे करना है हमको और रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा है कि हम की वैल्यू पे स्टोर करा लेंगे, ठीक है, और बस जो भी वैल्यू है आएगी ए की, ठीक है, उसको हम एनक्रिप्ट करते जाएंगे, ठीक है। और डिक्रिप्ट में क्या करना है, बेसिकली तुम्हें एक स्ट्रिंग दे रखी होगी, ठीक है, और तुम्हें उसको डिक्रिप्ट करना है वापस इसमें, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, ए आई किस में था, ए आई था ए में, ठीक है, और सी में, है ना। तो ए आई को तुम ए में कर सकते हो और सी में कर सकते हो, ठीक है, और जेड एफ को तुम सिर्फ बी में कर सकते हो, ठीक है, और ए आई को तुम वापस सी में और ए में कर सकते हो, ठीक है, और ए एम को तुम डी में कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी डिक्रिप्टेड स्ट्रिंग हो गई इसकी, ठीक है। और जो भी इसमें से प्रेजेंट होगा डिक्शनरी में, ठीक है, उसका काउंट तुम्हें रिटर्न करना है, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लो सिर्फ ये और ये डिक्शनरी में है, ठीक है, ये और ये, ए बी ए डी और ए बी सी डी, ठीक है, ये सी डी है, ठीक है, ये ए बी ए डी और ए बी सी डी स्ट्रिंग में है, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, टू, ठीक है। तो तुम्हें टू रिटर्न करना है। तो तुम क्या करोगे बेसिकली, तुम एंड गोल क्या है तुम्हारा, एंड गोल क्या है, तुम्हें डिक्शनरी में चेक करना पड़ेगा कि ये स्ट्रिंग जो है, इस ये स्ट्रिंग डिक्रिप्ट होके इसमें डिक्शनरी में है कि नहीं। तो तुम क्या करो बेसिकली, इसी को एनक्रिप्ट कर दो, ठीक है, इसको एनक्रिप्ट करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है, इसको एनक्रिप्ट करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा, है ना, और इसको एनक्रिप्ट करोगे तो भी यही आएगा, ठीक है। और जब भी ये कॉल होगा तुम्हारा कि भी डिक्रिप्ट दिस स्ट्रिंग, है ना, तो तुम क्या करोगे, इसका काउंट दो खेलोगे बस, कि भाई इसका काउंट कितने हो गए, इसके काउंट हो गए दो, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसको जैसे एनक्रिप्ट करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा ये, ठीक है ना, इसका काउंट कितना हो गया, वन हो गया, और इसका काउंट कितना हो गया, टू हो गया, है ना। ये तो जब भी ये कॉल होगा तो तुम बस इस मैप में देख लेना कि इसका काउंट कितना है, वही हो जाएगा आंसर, ठीक है। हाँ, तो वही क्या है कोड में मैंने क्या किया, जैसे मैप बना दिया की वैल्यू पेयर का, ठीक है, एनक्रिप्ट करने के लिए स्ट्रिंग्स को, ठीक है, वो एनक्रिप्टर में शोर करा लिया वही की वैल्यू पेयर, ठीक है, और जब भी एनक्रिप्ट कॉल होगा तो मैं उस मैप का यूज करूंगा और एनक्रिप्ट कर दूंगा स्ट्रिंग को, ठीक है, और रिटर्न कर दूंगा स्ट्रिंग, ठीक है। और जब और एक मैंने काउंट ऑफ एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग भी बना दिया, तो जितनी भी डिक्शनरी में वर्ड्स है मैं क्या करूंगा, उनको सबको एनक्रिप्ट करके उनका एक काउंट स्टोर करा लूंगा, ठीक है। सबको पहले एनक्रिप्ट करूंगा, एनक्रिप्ट कॉल करूंगा और उनका स्टोर काउंट करा लूंगा, और जब भी डिक्रिप्ट कॉल होगा तो मैं क्या करूंगा, उस वर्ड का काउंट चेक करके बस उसको रिटर्न कर दूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, होप यू लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक्स अ लॉट।